क्या बोलेंगे, योगी के साथ औलाद होती तो उन्हें दर्द समझ में आता। बे औलाद इंसान, उसके दर्द क्या समझ में आएगा, वो क्या समझेगा दूसरों का दर्द होता क्या है। छोटे बच्चों को अपना कलेजा फाड़ के तुम्हें कैसे बताऊं, कितनी दुलारी थी कि तुम्हें सीना फाड़ के दिखा देंगे तब भी तुम्हें महसूस नहीं होगा दुलारी इतनी थी। हाँ मैम, तो जानकारी भी नहीं हुई कि हमारी बेटी की डेड बॉडी को जलाया या दूसरा कोई था। कौन बोल रहे थे वो SP थे, कौन थे कि ना तो उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है, ना उसकी जीभ कटी है, ना उसका कुछ नहीं हुआ है। उनका सजाए वो फांसी होनी चाहिए साहब, फांसी से अलावा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है एक सीधी सादी बहन के साथ। तो वायर में आपका स्वागत है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम देश भर में जारी है। आज हम हाथरस के उसी गांव में पहुंचे हैं जहां की वो पीड़िता रहने वाली थी, और मिले हैं उनके परिवार से जो कि प्रशासन के रवैये से बेहद नाखुश और गुस्से में हैं। गुस्से की वजह ये कि वो कहते हैं कि प्रशासन का रवैया इस मामले को लेकर शुरुआत से ही बहुत ढीला रहा है। गुस्से की खास वजह ये भी है कि कल रात, गुजरी हुई रात, जो उनकी बेटी, उनकी पीड़िता का जो शव है, उसका जो अंतिम संस्कार हुआ है वो परिवार के मर्जी के खिलाफ हुआ है। ये कहा है उन्होंने कि अंतिम संस्कार से पहले माँ बाप को उन पीड़िता का चेहरा तक नहीं देखने को मिला। आइए चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। ननद जो हुई आपकी, उनका कभी कोई लड़ाई झगड़ा किसी से रहा, किसी भी तरह? ठीक है, ये दीदी हम पानी लेके आई हैं, बस इतना काम था उनका, पानी लेके आना है बाहर से। भैंस गोबर कर देती है ना, तो उसे उठा के घोड़े पर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में झाड़ू लगा दी उधर में, वहाँ ज्यादा खुला है ना तो हम लोग ज्यादा वहाँ रुकते नहीं। ज्यादातर हमारा सुबह का टाइम से लेके उनका इसी घर में टाइम जा रहा है, नहाने के लिए जाते, ज्यादा होता तो हम वॉशरूम है तो उसमें नहाने के लिए, बस यही था। इतने में आप किससे बात कर लोगे, फिर किसी से मतलब ही नहीं आप रख रहे हो तो उससे किससे बात करोगे। आप लोगों ने रोकने की कोशिश की थोड़ा, पुलिस को जबरन जो है बोला कि नहीं हमें अपनी बेटी का खुद करना? देखो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बोले बस हमने अच्छे से अपने रीति रिवाज होते हुए ढंग से उन्हें विदा करे, कोई बीमारी से नहीं मरी थी या कोई ऐसा नहीं था कि नहीं, वो तो तुमने वहाँ जाके मार दिया तो इसका कोई इलाज नहीं है ना, और इन लोगों ने मार दिया, मारी है गला दबा के, मारी दबा के मारी है। काफी उनकी अच्छी हालत थी, बोलती हो इंसान को तुम लड़की को क्या बोलेंगे, योगी के साथ तो औलाद होती तो उन्हें दर्द समझ में आता। बे औलाद इंसान, उसके दर्द क्या समझ में आएगा, वो क्या समझेगा दूसरों का दर्द होता क्या है। वो 10-15 दिन से यही राजनीति चलती रही, इसी कारण उनकी जान गई है कि चलो हमारे साथ चलो नगलो, चलो सीएम के पास चलो, तो उनके भाई को इस चीज़ के लिए धमकाते रहे हैं जाने के लिए, और तो इन्होंने बस जाने के लिए हराजी नहीं हुए कि हमारी बहन ठीक हो जाएगी ना तो इसके साथ हम जाएंगे, नहीं वहाँ जाओगे ना तो तुम्हारी मतलब बहुत फास्ट तुम्हारी मदद होगी, और यहाँ बैठने से कम कम घर के पैसा आएगा, तो पैसों का लालच दे के हमने वो दीदी को बेचना है। जो भी तुमने एक तो ऐसा कर दिया, फिर उन्हें मतलब खरीद रहे हो, बॉडी को बेच दे हम लोग, पैसों से हमारा मंगवा दो। मतलब हमारे यहाँ यही रूल है, जैसे बॉडी हम लोग दिन में लगाते हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम लोगों ने सबने यही मांग रखी थी कि बॉडी को हमें दिखाने देखने दो, मतलब कोई और है इसमें, हमें लोगों ने नहीं दिया बॉडी को। जैसे हम लोग गए भी वहाँ पे तो मारपीट की है पुलिस वालों ने, लेडीसों के साथ में मारपीट की है, लोग गई हैं लोग, तो जब वो मतलब झोली फैला के मांग वो बोल रही थी ऐसे करके, तो उनमें से वो बोल रहे थे जो कोई बड़े ही थे, मुझे नहीं पता इनके बारे में कौन थे वो, तो कह रहे ऐसा मत बोलो, अपना आंचल किसी के आगे मत फैलाओ, ये गलत बात है, ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने आप अपना गलत बात बता रहे हो तो कम से कम आपको थोड़ी तो दया आनी चाहिए उस हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि बॉडी क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं जलाने दी गई प्रॉपरली रीति रिवाज के साथ? अब कोई मुझे तो लग रहा है दीदी कि एक तो प्रशासन का पूरा इसमें वो है, तो ऐसा लग रहा है कि ठाकुरों ने पैसा खिलाए पुलिस वालों को, ठाकुरों ने पैसा दिए पुलिस वालों को, इसीलिए पुलिस वाले हम लोगों की कुछ नहीं सुन रहे, इसीलिए हम लोगों को डेड बॉडी नहीं दिखाई है। हमें यही नहीं पता चला कि बॉडी लोगों ने जला दी, कोई और हम लोगों ने देखी ही नहीं कि गाड़ी में थी या नहीं थी।
और ज़्यादा कुछ बोलना चाहते मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी सी सुरक्षा मिली मिलनी चाहिए और न्याय मुझे शासन से न्याय मिलना चाहिए। अब दलितों का इस गांव में रहना जो है बहुत असंभव एक तरह से हो गया, बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे साथ तो प्रशासन भी नहीं है। रात बेटी का जबरदस्ती दाह संस्कार कर दिया क्योंकि हमें तो जानकारी भी नहीं हुई कि हमारी बेटी की डेड बॉडी को जलाया या दूसरा कोई था। आप लोगों की अनुमति नहीं ली गई, आइडेंटिफाई भी नहीं कराया उन्होंने, अनुमति नहीं ली गई, नहीं हमारी तो अनुमति भी नहीं ली गई। तो इससे आरोपियों ने तो जो आरोप किया कि मगर प्रशासन ने तो हमारे साथ वो उससे भी बुरा आरोप किया। अब आपको आगे क्या उम्मीद है प्रशासन से कि कुछ आगे प्रशासन मदद... से आगे क्या उम्मीद रखी जाए, यहाँ हमारा कोई भी साथ देने वाला नहीं है। मतलब अभी से पहले भी ये जो घटना हुई इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं होती आई हैं, इससे पहले भी होती आई हैं, मगर जो हमारे ऊपर बराबर दबाव बना करके रखते हैं ये लोग। ये तो हम चाहते हैं कि उसकी जो पूरी जानकारी है उसके साथ जो भी कुछ हुआ है उसकी पूरी जानकारी के साथ वो जो उसका जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय जरूर मिलना चाहिए। उनका सजाए वो फांसी होनी चाहिए सब, फांसी से अलावा और कोई चीज़ नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है एक सीधी सादी बहन के साथ। पिछले इलेक्शन में आपने वोट दिया था, किसको दिया था? बीजेपी को दिया था, बीजेपी को दिया था, लेकिन अभी यूपी में सरकार बीजेपी की है और योगी जी ने जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ भी कड़े शब्दों में निंदा नहीं की है इस चीज़ की। तो मतलब अब आपका जो यकीन है बीजेपी से वो उठ रहा है या फिर? हमारा यकीन उठ रहा है क्योंकि अब हमारे किसी काम के नहीं है, हमारे जब किसी उसमें दुख में शामिल नहीं हो रहे थे, क्या नियम था अपना काम धंधा करके जो भी भैंस को कूड़ेगा और नहा धो के अपने पूजा करके वो खाना खाती थी, इसका ये ढांचा कि 11 बज जाए 12 बज जाए अपने नियम के तो पक्की थी वो, शाम के टाइम में पूजा आरती करना और मतलब कि वो पूरा अपने काम धंधे में लगी रहती थी और इसी से और मेरे बच्चे 3 लड़कियां उनका वही करती थी जी। लड़की के साथ जो भी गलत सलत हुआ है सारा सब कुछ गलत हुआ है, फिर भी वो वहाँ से कौन बोल रहे थे, वो SP थे कौन थे कि ना तो उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है ना उसकी जीभ कटी है ना उसका कुछ नहीं हुआ है। मतलब ये आवाज़ दबाने की कोशिश है, ये कहना कि उसके साथ कुछ हुआ ही कुछ नहीं हुआ उसके साथ। 8 दिन तक तो इन लोगों ने इतने हल्के में लिया है, एक दो को पकड़ भी लेके गए उन्हें भी छोड़ दिया, शाम को ले जा रहे सुबह को छोड़ रहे सुबह को ले जा रहे तो शाम को छोड़ रहे। अगर आप हमें मदद देंगे जब तक आप पाएंगे तब तक तो हमारा सब कुछ यहाँ खत्म हो चुका होगा, तो हम लोग यहाँ पर कैसे रुक सकते हैं? गांव वाले हम लोगों की मदद कर नहीं सकते, उन लोगों से क्योंकि जो लोग आज इतने दिनों से इतने दिन दीदी जिंदा रही हैं तो उन्होंने कभी पूछा लड़की कैसी है क्यों क्या दिक्कत परेशानी है, कभी नहीं पूछा। तो वो लोग क्या हम लोगों का हाल पूछने के लिए आएंगे ना, तुम्हें कोई परेशानी हो रही है कैसे रह रही हो कैसे नहीं रह रही। मैं जब वहाँ पे बैठी थी मैं तो ऐसे झोली फैला के बैठी थी कि मेरी झोली में कोई भीख डाल दे पुलिस वाला कोई भी मेरी कोई विनती सुन ले। तो एक पुलिस वाली आई मोटी मोटी सी तो उसने मेरे लात मार के निकल के चली गई। 2 पुलिस वाली आए तो उन्होंने मेरे डंडा मारा, एक और बहन बैठी थी उसको भी डंडा से मारा, उसकी चूड़ी टूट गई हाथ में लग गया। एक जो लड़की की बुआ है उनके हाथ में डंडा मारा है, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। गांव का जो प्रधान होता है उसका भी हक बनता है, हक बनता है उसका भी। तो किसी भी ठाकुर ने अभी तक आके पूछा नहीं, अभी तक कोई गांव का आदमी दरवाजे पे आके ये नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ में ये गलत हुआ कि अच्छा हुआ, कैसी भी बात नहीं। क्यों ऐसा, इतनी नफरत क्यों है? अब तो ये इन लोगों को तो पता होगी, हम लोग को क्या पता है, हम तो रिश्तेदार हैं। अब हमारी तो लड़की इस घर में होने कर दी है तो उसके लिए भी कुछ करना ही होगा, क्या करें।
रुक रुक।